हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नीलम्स वेज तड़का में आपका स्वागत है। पास्ता तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है और बच्चों का तो ये मोस्ट फेवरेट फूड है, तो इसलिए मैं आज एक बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपका पास्ता खिला खिला और बहुत टेस्टी बनेगा। मैंने कुछ वेजीज भी ऐड करी हैं जिससे आपका पास्ता और भी हेल्दी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है ये रेसिपी। मैंने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में करीब 1 लीटर पानी गर्म किया हुआ है। पानी उबलने लगा है तो अब मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ। पास्ता मैंने करीब 200 ग्राम लिया है। ये माइक्रोनी पास्ता है, आप चाहें तो कोई और पास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब इसे पानी में डाल रही हूँ। 5 मिनट के लिए पास्ता को पकने देते हैं जिससे ये अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको पास्ता को लेना है और एक स्पून से या नाइफ से कट करके देखना है। अगर वो आसानी से कट हो जाता है इसका मतलब पास्ता पक चुका है। तो हम गैस बंद कर देते हैं। मैं इसे छान रही हूँ, सारा पानी हमें निकाल देना है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी जिससे हमारा पास्ता चिपकेगा नहीं और जो ज़्यादा कुक होता है वो नहीं होगा क्योंकि हमने पानी ऑलरेडी पूरा निकाल दिया है। तो इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं। मैंने इसमें सॉल्ट या ऑयल कुछ भी नहीं डाला था। मैं इसे ठंडे पानी में डाल के रख रही हूँ अलग। अगर आपको पास्ता अभी नहीं बनाना है तो आप इसे अलग भी रख सकते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए इसे अलग रख देंगे, इससे पास्ता ओवर कुक नहीं होगा और ड्राई भी नहीं होगा। आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है, तेल मैंने करीब 2 चम्मच लिया है। यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो इसमें डाल रही हूँ मैं कटा हुआ प्याज। आपको प्याज को बारीक कट करना है। प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ध्यान रखना है प्याज को जलाना नहीं है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश करके, जिससे आपके पास्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चला देते हैं इसको थोड़ा सा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से ये स्मेल ना निकल जाए। मैं इसमें वेजीज डाल रही हूँ, कैरेट और कैप्सिकम। आप चाहें तो अपनी मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा चलाएंगे। थोड़ी देर इसे पकने देते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने नमक पहले इसलिए डाला है ताकि हमारी सब्जियाँ जल्दी गल जाएं। थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। इसके बाद मैं टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ। टमाटो प्यूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हुए थे जिनको ग्रीन चिली के साथ मैंने पीस लिया था। आप चाहें तो ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं। जब तक इसमें से ऑयल ना निकलने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया है तो इसका मतलब हमारे टमाटर पक चुके हैं, प्यूरी पक गई है। तो अब मैं इसमें उबला हुआ पास्ता जो कि हमने पहले से रेडी कर रखा था वो डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे। पास्ता को अभी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ मिलाना है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मेयोनीज। मेयोनीज डालने से आपके पास्ता का टेस्ट बहुत ही अलग आएगा। इसको मिक्स कर देते हैं। गैस आपको स्लो ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है क्योंकि हमारा पास्ता ऑलरेडी कुक हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच ऑरिगेनो या पिज़्ज़ा हर्ब्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे डालने से आपके पास्ते की खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, गैस ऑफ कर देते हैं। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
तो हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। कैसी लगी आपको रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।